हनुमान। दोस्तों अगर आपके घर में 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं तो उन्हें ये मूवी थिएटर में जरूर दिखाइए। उनके रिएक्शन को देखकर आपको रियलाइज होगा कि मूवी पर लगाया गया सारा पैसा वसूल हो गया और साथ में आपको भी ये मूवी पसंद आएगी। मेरा कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि ये मूवी सिर्फ बच्चों को ही पसंद आएगी, नहीं, बच्चे बड़े सभी को पसंद आने वाली है ये मूवी। रफली स्पीकिंग मुझे मूवी का हर चीज़ पसंद आया, मूवी के करेक्टर्स, उसका किरदार निभाने वाले एक्टर्स की परफॉर्मेंस, मूवी की स्टोरी, एक्शन सिक्वेंस, विजुअल इफेक्ट्स एंड मोस्टली मूवी के कॉमेडिक सीन्स एंड ह्यूमर्स, एवरी थिंग इज गुड इनफ टू मेक इट अ गुड और शुड आई से अ वेरी गुड इंडियन ओरिजिन सुपर हीरो मूवी जो आपको निराश नहीं करेगी। और अगर किसी मामले में निराश करती भी है तो वो इतने भी नहीं है कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस ख़राब हो जाए। कमियां हैं मूवी में जो कि हर मूवी में होती हैं, बस डिपेंड करता है कि वो कमियां कितनी ज़्यादा हैं। और इस मूवी की कमियां इतनी नहीं है कि आप उनकी वजह से आप इस मूवी को न देखें। जो भी कमियां हैं वो नज़रअंदाज करने लायक हैं, तो इसलिए मूवी की कमियों को नज़रअंदाज कर अगर आप इस मूवी को थिएटर में देखना अफोर्ड कर सकते हो, खास करके अपने छोटे भाई बहन या बच्चों के साथ, तो ज़रूर जाकर देखिए, पैसा वसूल है ये मूवी। अब दोस्तों जल्दी से मैं इसकी कमियों के बारे में बात करना चाहूँगा जो मुझे देखने को मिली। मूवी का विलन मुझे ज़्यादा बैडेस्ट नहीं लगा और अंत में उसने जो सूट पहना था वो सूट मुझे चीप और रिडिकुलस लगा। उस सूट को देखकर मुझे बालवीर के सूट की याद आ रही थी। नो ऑफेंस, बालवीर का सूट सीरियल के नज़रिए से और बच्चों के नज़रिए से सही है, लेकिन मूवी के नज़रिए से नहीं। इस मूवी में हमारे हीरो को जिस तरह से उसकी शक्तियाँ मिलती रहती हैं वो तरीका मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया, वो मुझे थोड़ा अनॉय कर रहा था। और अंत में हमें जो एक सैड मोमेंट देखने को मिलता है, वो सैड मोमेंट मुझे उतना सैड नहीं किया जितना उसे करना चाहिए था। बात करें मूवी के VFX की, तो VFX को लेकर मैं मूवी से ज़्यादा शिकायत नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मूवी का बजट मेरे दिमाग में है, मूवी का बजट कम है। और वैसे भी बता दूँ कि मूवी में ज़्यादा ऐसे सीन्स भी नहीं हैं जिनमें ज़्यादा VFX की ज़रूरत हो। हमारा हीरो ज़्यादातर आम लोगों से ही लड़ता हुआ दिखाई देगा। फिल्म के विलन से वो एंड में लड़ता है जहाँ कंपेरेटिवली आपको ज़्यादा VFX का यूज देखने को मिले, और वो जैसे भी हैं ठीक है। दोस्तों ये थी मूवी की कमियाँ जो इतनी भी नहीं है कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस ख़राब हो। तो इसलिए इन मूवीज़ की कमियों को नज़रअंदाज कर आप इस मूवी को थिएटर में ज़रूर देखिए, खास करके अपने ये था हनुमान मूवी का मेरा गुड और बैड रिव्यू। जो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक कीजिए, कुछ कहना हो तो कमेंट कीजिए। इसी के साथ ये फिल्मी मानूस इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करता है।